अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में लिब्रे ऑफिस कैल के अंतर्गत व्यू मेनू के बारे में बताया गया था और आज की क्लास में लिब्रे ऑफिस कैल में हम इंसर्ट मेनू के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले कैल को ओपन करते हैं। यहाँ पे कैल हमारा ओपन है और इसके पहले अगर हम देखें तो फाइल एडिट व्यू ये मेनू हम पढ़ा चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट मेनू। तो इंसर्ट मेनू में जो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा वो है इमेज का। यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने इस वर्कशीट में कोई अगर फोटो की जरूरत है, फोटो इंसर्ट करना है तो वो हम इंसर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ इमेज पे जाएंगे और इमेज पे जाने के बाद हमको जो फोटो इंसर्ट करनी है जिस भी लोकेशन पे है, जिस भी फाइल फोल्डर में है, उस लोकेशन पे जाएंगे और वहां से क्या करेंगे, उस फोटो को हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे और वो फोटो यहां पे आ गई है इधर। अब ये फोटो थोड़ा साइज इसका बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसको हम छोटा करेंगे और इस तरह से ये जो फोटो है यहां पे इंसर्ट हो गई है। समझ में आया? तो इस तरह से आप यहां पे फोटो इंसर्ट कर सकते हैं और छोटा बड़ा करना है तो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है चार्ट का। तो अगर आप इसमें कोई चार्ट के माध्यम से डेटा दिखाना चाहते हैं, चार्ट से जब हम कोई चीज दिखाते हैं तो वो जो है समझ में जल्दी आ जाता है, ठीक है। ग्राफिकली जब हमको कोई चीज प्रेजेंट करना होता है तो हम चार्ट का यूज करते हैं, तो हम डेटा को चार्ट में दिखा सकते हैं लेकिन उसके पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए। तो हम चलिए देखते हैं, कोई अपनी फाइल ओपन करते हैं। यहां पे एक डेटा है ये, ठीक, जहां पे पोल 2022 लिखा है जिसमें किस पार्टी ने कितना जो है परसेंट वोट प्राप्त किया वो यहां पे दिखाया गया। अब हम इसको चाहते हैं चार्ट में, जैसा कि आप टीवी में देखते हैं, न्यूज में देखते हैं कि पोल दिखाया जाता है कि किसका जो है ज्यादा है, किसका कम है, ठीक है, कितना प्रतिशत वोट कौन प्राप्त कर रहा है, वो सब दिखाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर चार्ट के माध्यम से इसको देखेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और यहां पर चार्ट पे क्लिक करेंगे। चार्ट पे जैसे हमने क्लिक किया, यहां पे बाय डिफॉल्ट जो हमारा है वो चार्ट टाइप कॉलम चार्ट में यहां पे आ गया है, लेकिन हम इसको कॉलम चार्ट में ना देखकर हम इसको पाई चार्ट में देखेंगे। आपको यहां पे देखना होगा कि कितने प्रकार के चार्ट टाइप है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये नोट कर लीजिएगा, कॉलम, बार, पाई, एरिया, लाइन, एक्स वाई, बबल, नेट, स्टार, कॉलम एंड लाइन, इस तरह के इतने प्रकार के चार्ट है। इसके अलावा अगर कोई नाम पूछा जा रहा है, नाम दिया जा रहा है, तो वो जो है चार्ट के प्रकार में नहीं आएगा। तो यहां पे हम इसको ले लेंगे पाई में, चलेंगे पाई लेंगे और पाई लेने के बाद अगर आप चाहते हो इसको थोड़ा 3D दिखाना तो यहां पे 3D पे क्लिक कर लोगे तो थोड़ा सा इसका लुक जो है यहां पे चेंज हो जाएगा। इसमें भी थोड़ा सा और अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप ये वाला लोगे तो ये तो आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक, ये ले लेंगे आपको तो यहां पर ये इस तरह से दिखेगा। अगर हम ये वाला लेते हैं तो ये जो है आपको इस तरह से दिखेगा। तो जिससे आपको समझ में आए वो जो है यहां से आप ले सकते हैं। अगर आपको 3D नहीं चाहिए तो आप इस पे टिक हटा देंगे तो ये जो है ऐसे सिंपल सा दिखेगा। ये आपने 3D लिया है और यहां से अगर आप देखें तो एक रियलिस्टिक है और एक सिंपल है, तो यहां पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, कोई भी आप यहां से ले सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक। अब यहां पे रेंज जो आपने दिया था उस रेंज के हिसाब से बना है, अगर आप इसको बाद में चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, जो भी रेंज है इसको आप चेंज कर सकते हैं। डेटा सीरीज रो में या डेटा सीरीज कॉलम में वो आप यहां से स्विच कर सकते हैं, फिलहाल हम यहां पे डेटा सीरीज इन कॉलम ही रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट करने के बाद आपका कॉलम भी बॉर्डर वगैरह जो है यहां पे वो भी आप सेट कर सकते हैं, बॉर्डर कलर जो है जो भी आप लेना चाहे वो आप यहां ले सकते हैं। इसको सबको सेट करने के बाद आपको फिनिश कर देना और आपका जो चार्ट है वो बन जाएगा। इसी तरह हम जो है एक चार्ट और बनाएंगे, यहां पे हम क्या करते हैं ये वाला रेंज लेते हैं, ठीक, और फिर हम जाएंगे इंसर्ट में, चार्ट में जाएंगे
चार्ट पे जाने के बाद इसको हम कॉलम चार्ट में ही दिखाएंगे। किसमें दिखाएंगे? कॉलम चार्ट। इसको भी 3D करना चाहे तो आप 3D कर सकते हैं, और डायरेक्टली हम यहां से फिनिश कर दें तो ये जो चार्ट है वो आपका इस तरह से बन गया। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये जो है हिमांशु के सारे सब्जेक्ट हैं जो भी हमने यहां पे लिया है, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस का जो है यहां पे नंबर दिया गया है। अगर इसमें हमको देखना हो कि किस सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर पाए तो तुरंत हमारी निगाह यहां पे जाती है कि इस विषय में इन्होंने ज्यादा नंबर प्राप्त किया है। साथ ही साथ ये कौन सा विषय है वो देखना हो तो हम यहां पे देखें, कलर दिया गया है इंग्लिश, इंग्लिश में इन्होंने सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त किया है। अगर हम इनकी बात करें तो रवि ने इस सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर प्राप्त किया है, और ये सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका क्या हो जाता है? मैथ हो जाता है। और अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पे डिटेल में दिखाता है रवि का 78 नंबर है, ठीक है, ये भी आपको डिटेल्स में मिल जाता है। जिस पे आप क्लिक करोगे उसका डिटेल यहां पे आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो कितना जो है समझना आसान होता है चार्ट में, अगर हम चार्ट में डेटा दिखाते हैं तो समझना काफी आसान होता है। तो इस तरह से आप यहां पे चार्ट बना सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है इसमें वो है पाइवोट टेबल का। क्या है? पाइवोट टेबल। अभी अगर आप देखें यहां पे तो हमारा ये जो डेटा है इसमें नाम भी है, जितने भी सब्जेक्ट हैं सब्जेक्ट वाइज नंबर भी है, साथ ही साथ टोटल है, परसेंटेज है और डिवीजन है, सब कुछ यहां पे दिख रहा है। आप चाहते हो कि हमको केवल नाम देखना है और हमको केवल टोटल या परसेंटेज या डिवीजन देखना है, या ये तीनों देखना है लेकिन ये किस सब्जेक्ट में कितना नंबर पाए इससे हमको मतलब नहीं है, हम इनको नहीं देखना चाहते हैं, ठीक। तो अगर आपको डेटा को समराइज तरीके से देखना हो, ठीक है, तो आप यहां पे पाइवोट टेबल का यूज कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के बाद आपको पाइवोट टेबल पे क्लिक करना है। हम यहां पे क्लिक कर लेते हैं, और क्लिक करते हैं तो ये पूछ रहा है सेलेक्ट सोर्स, मतलब सोर्स आपको लेना है। तो हमने यहां पे सिलेक्शन किया है और हम कह देंगे करंट सिलेक्शन, मतलब जो हमारा सिलेक्शन है इसी पे हमको पाइवोट टेबल बनाना। अब हम इसके बाद ओके करेंगे तो यहां पे ऑटोमेटिक एक और सीट इंसर्ट होगी, उस नए सीट में हमारा पाइवोट टेबल बन जाए। हम ओके करते हैं, ठीक। अब इसके पहले यहां पे जो है बनने से पहले यहां पे आपसे पूछेगा कौन कौन सा फील्ड आप लेना चाहते हो। तो हम चाहते हैं नेम आए, तो नेम को ऐसे हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग करके यहां ले आएंगे रो फील्ड में, ठीक। हम चाहते हैं टोटल आए तो टोटल को भी हम ले आएंगे यहां पे ड्रैग करके इस फील्ड में। अब आप दो ही चाहते हो दो ही रखो, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं हमको परसेंटेज भी रखना है तो आप परसेंटेज भी ले आओ, यहां पे परसेंटेज भी आ जाएगा। ओके कर दीजिए, और आपका ये नई सीट में अगर आप देखें पाइवोट टेबल के नाम से एक नई सीट बनी है जहां पे नाम है, टोटल है, परसेंटेज है, बस इतना ही आपका शो कर। समझ आया कि नहीं आया? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पाइवोट टेबल बना सकते हैं। लेकिन पाइवोट टेबल बनाना हो चाहे चार्ट बनाना हो, इस तरह का डेटा आपके पास होना चाहिए, इस तरह का आपको लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तभी आप वो सब कर पाएंगे। तो इसको आप बाद में नोट भी कर लीजिएगा वीडियो से। समझ आया? इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है मीडिया का। अगर आप अपने इस कैल्क में स्प्रेडशीट में कोई मीडिया इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे कि गैलरी से आप कोई चित्र लेना चाहते हैं, कोई शेप्स लेना चाहते हैं, तो वो आप यहां पे ले सकते हैं। फिलहाल गैलरी हमारा अभी ओपन ही है, हम यहां पे क्लिक करेंगे तो जब दोबारा क्लिक करेंगे तो वो गैलरी हमारा हाइड हो जाएगा। तो फिर से हम क्या करते हैं, फिर से हम यहां इंसर्ट पे जाते हैं और मीडिया पे जाते हैं, यहां गैलरी पे क्लिक करेंगे फिर साइड में आ जाएगा, और गैलरी का मतलब हमारा ये है, ये हमारा क्या है, गैलरी है। तो अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया गैलरी ओपन हुआ, सबसे पहले अगर आप यहां पे देखें तो गैलरी में देखिए कई तरह के जो है आपको यहां पे ये आइकन वगैरह मिलते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से मिलेगा, बुलेट पे क्लिक करेंगे तो बहुत प्रकार के आपको बुलेट मिलेंगे, डायग्राम पे क्लिक करोगे डायग्राम, आप इसको स्क्रॉल करके देख सकते हो। मान लीजिए इस तरह का आपको कोई चीज लेना है, इस पर आपको कोई चीज समझाना है, तो ये आप यहां पे इसको चाहे तो ड्रैग करके ला सकते हो, ये आपका यहां पे आ गया। अब यहां पे जो लिखना है वो आप यहां पे लिख के समझा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक। इसकी जरूरत नहीं, आप दूसरा चाहते हैं तो दूसरा भी ला सकते हैं। फ्लो चार्ट आपको यहां पे मिल जाएगा, आइकन भी मिल जाएंगे, नेटवर्क मिल जाएगा, ठीक। इस तरह का कोई शेप्स आप लाना चाहते हैं तो वो भी आप यहां पे ला सकते हैं, छोटा बड़ा करना है
छोटा बड़ा भी कर सकते हो। तो ये आपका गैलरी है, ये क्या है, गैलरी है, जैसी जरूरत हो वो आप यहां पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है स्कैन। अगर आप अपने स्कैनर के माध्यम से, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है आपको पढ़ाया गया शुरुआत में, और मान लीजिए कोई फोटो है और उसको स्कैन करके आप यहां पे लाना चाहते हैं, तो आप यहां स्कैनर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उसको स्कैन करके ला सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में स्कैनर जुड़ा होगा तो वो यहां पे हाईलाइट दिखेगा और आप स्कैन करके इंसर्ट करा सकते हैं। कोई ऑडियो या वीडियो आपको इसमें इंसर्ट करना है तो वो भी आप यहां से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पे एक ऑडियो है, ठीक है, हम इसको इंसर्ट करना चाहें तो यहां पे हम इंसर्ट कर सकते हैं, और ये जो है आपका यहां पे आ गया। या आपको कोई वीडियो लाना है तो वीडियो भी आप यहां पे ला सकते हैं। अगर आप इसको प्ले करना चाहें तो यहां पे आपको प्ले बटन मिलता है, यहां से प्ले भी हो जाएगा। ऐसे ही हम वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है इसमें इंसर्ट में, मीडिया हो गया आपका, ऑडियो और वीडियो हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में आप कोई फार्मूला इंसर्ट करना चाहते हैं, अल्ट कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस इक्वल इसका शॉर्टकट की है। आप यहां से जो भी आपका सेल होगा वहां पे आप कोई फार्मूला इंसर्ट करना चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पे है, आपको इस तरह से कोई चीज लिखना है तो आपने ये ले लिया, ठीक। अब यहां पे आपको नंबर लिखना है तो यहां पे देखिए नंबर दिखा रहा है, जो भी आपको नंबर लिखना हो वो आप यहां पे लिख सकते हैं। फिर आप दूसरे वाले क्लिक कर लीजिए, और आप यहां पे देखिए 7/7 लिख गया ना यहां पे। तो इस तरह से आप फार्मूला अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट कर सकते हैं। जिस तरह के फार्मूला की आपको जरूरत हो आप इंसर्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, फार्मूला ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहां पे आ जाएगा, ठीक। यहां पे अगर आप देखें रिलेशन का है, सेट ऑपरेशन है, कैटेगरी वाइज है, आप जैसा यूज करना चाहें वैसा आप यहां से यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, और जो अगला ऑप्शन है वो है आपके ऑब्जेक्ट में ही QR और बार कोड का। तो राइटर वाले वीडियो में आपको बताया गया था हम यहां से QR कोड या बार कोड जनरेट कर सकते हैं। आपको जो कुछ भी आप यहां लिखना है, आप कोई वेबसाइट लिखना चाहते हैं या जो है वेबसाइट लिखना है या कोई और वैसे ही आप डेटा देना चाहते हैं यहां पे, तो आप यहां पे लिख सकते हैं। इसका हमारा जो है बारकोड अभी बन जाएगा, और उसके बाद अगर आप मोबाइल से स्कैन करेंगे, ठीक है, आप यहां पे देखेंगे QR कोड बनाना है, बारकोड बनाना है, दोनों ऑप्शन आपको मिलता है। जो भी आपको बनाना हो वो आप यहां से बना सकते हैं, ओके करेंगे और आपका जो बारकोड है, जो आपका QR कोड है वो बन गया। QR का मतलब क्विक रिस्पांस होता है, QR का मतलब क्या होता है, क्विक रिस्पांस। तो ये आपका बारकोड बन गया है, आप इसको अपने मोबाइल के कैमरे से स्कैन करेंगे, अगर आपके पास स्कैनर है तो जो भी हमने लिखा है संदीप तिवारी और कंप्यूटर सेंटर वो आपको दिख जाएगा। समझ में आया? इसी तरह ऑब्जेक्ट में जो अगला ऑप्शन है वो है OLE ऑब्जेक्ट का। OLE का मतलब होता है अदर लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, लिंकिंग एंड एम्बेडिंग मतलब कोई अदर जो है ऑब्जेक्ट इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे एक सीट है यहां पे, और यहां पे आप चाहते हो कि हम कोई दूसरे प्रोग्राम में काम करें, ठीक है, यही कैल्क में ही किसी अदर जो है एप्लीकेशन में काम करना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट पे जाना है, OLE ऑब्जेक्ट पे जाना है। अब आपको क्या करना है यहां से, एक तो है कि आप कोई फाइल पहले से बनी है तो उसको आप यहां पे ला सकते हो, दूसरा है कि आप यहीं से वो फाइल बना भी सकते हो, यहीं से वो फाइल आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि हम प्रेजेंटेशन ओपन कर लें यहीं से, इंप्रेस हमारा ओपन हो, ठीक है, और उसमें हम काम करें, तो यहीं से हमारा जो है प्रेजेंटेशन, ये क्लिक कर लिया हमने, ओके किया, तो ये हमारा इसी में प्रेजेंटेशन का विंडो आ गया, आपके कैल्क में ही प्रेजेंटेशन का विंडो आ गया, और यहां पे आपको जो कुछ लिखना है वो आप लिख सकते हैं।
तो ये हमारा खुला क्या था, कायल को ओपन था, क्या ओपन था, कायल को ओपन था, और इसी कायल में हमारा क्या ओपन हो गया, यहां ये हमारा इंप्रेस ओपन हो गया, मतलब कि प्रेजेंटेशन ओपन हो गया, और प्रेजेंटेशन का हम काम भी यहां पे कर सकते हैं। डबल क्लिक करते हैं तो ये जो है एडिट मोड में हो जाता है, और इसमें अगर हम कोई फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाहें तो हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह कलर करना है तो हम टेक्स्ट वगैरह कलर कर सकते हैं, तो ये सारे ऑप्शन हमको यहाँ पे मिलते हैं। अगर इस बॉक्स को कलर करना है तो हम एरिया में जाएंगे, यहाँ पे नन है, कलर लेंगे, किस कलर में फिल करना है वो कलर हम यहाँ पे ले लेंगे, तो वो जो है बॉक्स में कलर आ जाएगा। अगला जो ऑप्शन है इसमें इंसर्ट में वो है फंक्शन का, तो अगर आप, हाँ इसके बाद है शेप्स का, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, कोई शेप बना सकते हैं, जैसे एक तो लाइन का है कि आप लाइन ड्रा कर सकते हैं, यहां पे जैसी लाइन आपको ड्रा करना है वो लाइन आप ड्रा कर सकते हैं। लाइन में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, शेप में गए आप, लाइन में गए, फ्री फ्रॉम लाइन भी आपको मिल जाता है, मतलब आप अपने ऐसे जैसे टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी खींचना है वो आप खींच सकते हैं, इस तरह की भी लाइन बन जाएगी। आप इंसर्ट में जाएं, शेप में जाएं, लाइन में जाएं, आपको फ्री फ्रॉम लाइन फील्ड, मतलब ये तो आपका जो है बिना फील्ड का था, ये आपको फील्ड में मिल जाएगा, मतलब जैसे जैसे आप खींचेंगे ये देखिए पूरा का इस तरह से जो है ये लाइन मिलेगा, तो इस तरह की भी लाइन आप खींच सकते हैं। लाइन में ही आपको कर्व लाइन मिल जाता है, ठीक, आपने लाइन खींचा उसके बाद इसको कहां पे घुमाना है, क्या करना है, वो आप यहां से इसको घुमा सकते हैं, ये कर्व लाइन है आपकी। इंसर्ट, शेप्स, बेसिक शेप्स में आपको इस तरह के शेप्स मिल जाते हैं, आप किसी भी शेप्स का यूज कर सकते हैं, जैसे आप क्यूब बनाना चाहें तो इस तरह का जो है बॉक्स आप यहां पे ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद ये पॉइंट है, इससे जो है इस पॉइंट से आप इसको जैसा चाहें वैसा चेंज भी कर सकते हैं, कलर वगैरह इसका भी जो है आप यहां देखेंगे, कलर चेंज करने का ऑप्शन भी इसमें रहता है, राइट क्लिक करके यहां पे एरिया पे जाएंगे, यहां पे जो भी कलर आपको लेना हो लेकर आप ओके कर दीजिए, वो कलर यहां पे आ जाएगा। हम पुनः इंसर्ट में चलते हैं, आगे जो हमारा ऑप्शन है वो है फंक्शन का, तो चलिए हम इसको हटा देते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, थोड़ा जल्दी बढ़ाते हैं, हम चलते हैं इंसर्ट पे, और अगला ऑप्शन है फंक्शन का, तो अगर आप कोई फंक्शन इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे मान लो यहां पे हमने कुछ नंबर लिख दिया, ठीक, यहां पे हमने नंबर लिख दिया, अब यहां पे हम इसको टोटल करना चाहते हैं, तो वैसे तो आप इक्वल सम जानते हैं, रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हम यहां इंसर्ट में जाएं, फंक्शन में जाएं, कंट्रोल F2 इसका शॉर्टकट की है, आपको कौन सा फार्मूला लेना है यहां पे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, वैसे तो यहां पे कैटेगरी वाइज है ही, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के जो भी फंक्शन है यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम ऊपर ही सम फंक्शन मान लो यूज करना चाहते हैं तो यहां से हम सम लिखेंगे, ठीक, और अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे हमारा सम फंक्शन है, हम इसको ले सकते हैं, यहां पे सम के लिए दिखा रहा है कि आप सम लिखकर और नंबर वन नंबर टू इस तरह से लिख सकते हैं, रिटर्न सम ऑफ ऑल आर्ग्यूमेंट, यहां पे आपका ये फार्मूला दिखाता है। हम नेक्स्ट करते हैं, अब यहां पे कौन कौन से नंबर को आपको जोड़ना है, तो कौन कौन से नंबर को हमको जोड़ना है, हमको इसको जोड़ना, इसको जोड़ना है, एक नंबर ये हो गया मतलब D6, फिर दूसरा नंबर हमारा ये है, फिर तीसरे वाले में हम ये ले लेते हैं, और इसके बाद हम ओके करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो यहां पे आ जाता है। तो आप इस तरह से कोई फंक्शन इंसर्ट कराना चाहे तो इंसर्ट करा सकते हैं। नेम, रेंज एंड एक्सप्रेशन, ये जो है आपको यहां डेटा रेंज में आपको बढ़ाया जाएगा तब इसको बताया जाएगा, डिफाइन रेंज और सेलेक्ट रेंज का ऑप्शन है तब यहां पे आपको ये बताया जाएगा। इसके बाद है यहां पे टेक्स्ट बॉक्स, अगर आपको कोई जो है टेक्स्ट लिखना है और वो एक बॉक्स में लिखना चाहते हैं तो यहीं से आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर सकते हैं, यहां पे हमने क्लिक किया और फिर ड्रा किया, ऐसे खींचा तो टेक्स्ट बॉक्स आ गया, अब इसमें जो कुछ हमको लिखना है वो हम इस बॉक्स में लिख सकते हैं। समझ आया?
तो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स होता है, जितने बॉक्स आपको ड्रा करना है उतने बॉक्स जो है यहां से ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद है कमेंट का, आपको किसी सेल में कोई कमेंट एंसर करना है, जैसे मान लो यहां पे आपने टोटल किया था, इसमें आपको कमेंट देना है, हम कमेंट पे क्लिक करेंगे और क्या करना है, हम मान लो इसको लिख देते हैं टोटल, ठीक। तो ये हमने यहाँ पे कमेंट दे दिया, तो इस तरह से आप कमेंट लगाना है किसी सेल में लगा सकते हैं। आप माउस पॉइंटर जब यहाँ पे ले जाओगे, ठीक है, तो ये आपका जो कमेंट होगा वो दिख जाएगा। इसी तरह इंसर्ट में जो आगे है वो है फ्लोटिंग फ्रेम का। तो फ्लोटिंग फ्रेम में क्या है, हम इस पर क्लिक करते हैं और जैसे अभी आपने वहां पे ऑयली ऑब्जेक्ट वाला देखा था वैसे समझ लो ये भी। इसमें क्या है, अगर आप इसका कोई नाम देना चाहते हो तो नाम दे सकते हो, कोई अलग फाइल अगर आपने पहले से बनाया है और उस फाइल को यहाँ पे लाना चाहते हो तो वो फाइल आप यहाँ पे ला सकते हो। जैसे ये एक एमएस वर्ल्ड की फाइल है, किसकी फाइल है, एमएस वर्ल्ड की फाइल है, वहां पे कुछ टेक्स्ट है, हम उसको लाते हैं, ओके करते हैं और यहाँ पे वो जो आपका टेक्स्ट है उसमें वो यहाँ पे आ गया है ओएलई ऑब्जेक्ट के रूप में। अब आप यहां पे देखें जो भी उसमें टेक्स्ट लिखा था वो टेक्स्ट आपको यहां पे दिखने लगा, उस फाइल में जो भी टेक्स्ट था वो टेक्स्ट आपको यहां पे दिख रहा है। ये भी अगर देखें तो उसी तरह से है ओएलई ऑब्जेक्ट की तरह, जो कि फ्लोटिंग फ्रेम में आपको यहां पे दिखता है। अगला जो ऑप्शन है इसमें वो है फॉन्ट वर्क का, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, आपको इस तरह के स्टाइलिश टेक्स्ट आपको दिखेंगे, आपको जो भी स्टाइल अच्छी लगे उस पर आपको क्लिक करना है, ओके करना है, ये आप यहां पे देखेंगे। अब इसमें आपको अपना टेक्स्ट लिखना है, इसी के ऊपर आपको क्या करना है, डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिट मोड में हो जाएगा और जब एडिट मोड में होगा तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, ठीक, और आपको जो अपना टेक्स्ट लिखना है वो लिख देना है और बस आपको बाहर क्लिक कर देना है, आपका ये टेक्स्ट इस तरह से हो जाएगा। बड़ा करना चाहे तो बड़ा कर सकते हैं और ये जो है अगर आपको लगता है कि ज्यादा तिरछा है, सीधा करना चाहे तो आपको ये पॉइंट्स जो है इसमें सीधा करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये जो पॉइंट है इससे जो है आप सीधा कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है इसमें वो है हाइपरलिंक। अगर आप किसी टेक्स्ट में कोई हाइपरलिंक देना चाहते हैं तो यहां से आप हाइपरलिंक भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहां पे कुछ लिख दें, अवध लिख दें और इससे कोई चीज लिंक कराना चाहें तो इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और हाइपरलिंक पे जाएंगे। हाइपरलिंक पे जाने के बाद अब आप इससे क्या अटैच कराना चाहते हो, कोई वेबसाइट अटैच कराना चाहते हो या कोई डॉक्यूमेंट अटैच कराना चाहते हो, जो डॉक्यूमेंट आपको अटैच कराना हो वो आप डॉक्यूमेंट यहां से ले सकते हैं। पाथ पे जाएंगे और मान लो इस डॉक्यूमेंट को हमको अटैच कराना है या इस फाइल को अटैच कराना है, ओपन पे क्लिक करेंगे, ठीक, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, अब वो जो उसका डॉक्यूमेंट का पाथ है वो यहां पे आ गया है, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है, और कंट्रोल के साथ क्लिक करना है तो ये फाइल आपकी ओपन हो जाएगी, ये फाइल आपकी ओपन हो गई। इसी तरह फिर से हम लिखते हैं, इसमें जो है ये अगर आप देखें तो ये अवध जो है आपका हाइपरलिंक नहीं दिख रहा है, ठीक। तो अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल हमारा टेक्स्ट ही हाइपरलिंक हो तो आपको डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेना, डबल क्लिक करने के बाद क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। अब सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट में जाना है, हाइपरलिंक पे जाना है और इसके बाद अब हमारा जो टेक्स्ट है यहां पर दिख रहा है अवध, ठीक। अगर आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है, डॉक्यूमेंट लीजिएगा, यहां पर जाइएगा, जो फाइल उससे अटैच कराना चाहते हो वो फाइल लीजिएगा, ओपन करिएगा, ठीक, अप्लाई कर दीजिएगा, ओके करिएगा, अब ये आपका टेक्स्ट हाइपरलिंक हो गया। अब इस पे जब क्लिक करेंगे तो जो फाइल हमने उससे अटैच किया है वो फाइल ओपन हो जाएगा, एक्सेल की फाइल थी और एक्सेल हमारा ओपन हो गया। अगला जो ऑप्शन है इसमें वो है स्पेशल करेक्टर। तो आपको कोई स्पेशल करेक्टर, जैसा कि आपको बताया गया था कि आप हिंदी में कुछ वर्ड है जो नहीं पाते हैं, कोई सिंबल है, कॉपीराइट का सिंबल है, ठीक है, ऐसे ही उसका रजिस्टर का सिंबल होता है, ट्रेडमार्क का टीएम होता है, तो वो सब आप यहां से इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग मार्क में आप नॉन ब्रेकिंग स्पेस या नॉन ब्रेकिंग हाइफन, सॉफ्ट हाइफन, ये सब इंसर्ट करना चाहे तो इंसर्ट कर सकते हैं। किसी फील्ड में, किसी सेल में आपको डेट इंसर्ट करना है तो आपको इंसर्ट में आना है, डेट पे जाना है और वो डेट जो भी आपका करंट डेट होगा वो इंसर्ट हो जाएगा।
इसमें हमने क्लिक किया है, सेल में इंसर्ट में जाते हैं और मान लीजिए हमको टाइम इंसर्ट करना है। शॉर्टकट की याद रखिएगा, डेट का जो है कंट्रोल प्लस सेमी कोलन है और टाइम का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कोलन है। तो हम शॉर्टकट की के द्वारा भी कर सकते हैं या यहां पे क्लिक करें तो यहां पे हमारा टाइम इंसर्ट हो जाता है। अगला जो ऑप्शन है इसमें वो है फील्ड का, तो आप फील्ड पे जाएंगे, ठीक है, और हम दूसरे सेल में क्लिक कर लेते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे, फील्ड पे जाएंगे, और अगर आपको कोई फील्ड इंसर्ट करना है तो आप फील्ड इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पे हमारी फील्ड इंसर्ट हाईलाइट हुई जब आपका सेल एडिट मोड में होगा। अभी तक इसके पहले नहीं शो कर रहा था, क्यों नहीं शो कर रहा था, क्योंकि एडिट मोड में हमारा सेल नहीं था। अगर आप वैसे ही सेल पे क्लिक कर दो केवल और इसके बाद आप इंसर्ट में जाओगे और यहां फील्ड में जाओगे तो ये हाईलाइट नहीं दिखेगा। तो आपको करना क्या है, आपको सेल में डबल क्लिक कर लेना है, जब आपका ये एडिट मोड में हो जाएगा फिर आप यहां इंसर्ट में जाएंगे, फील्ड में जाओगे और जो भी आपको डेट इंसर्ट करना है या सीट नेम इंसर्ट करना है या डॉक्यूमेंट टाइटल इंसर्ट करना है, तो यहां पे डॉक्यूमेंट टाइटल क्या है, डेटा मेनू प्रैक्टिकल डेटा, ठीक। तो हम यहां पे क्लिक करते हैं तो जो भी टाइटल था वो जो है यहां पे इंसर्ट हो गया है। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है हेडर फुटर का है, तो हेडर फुटर भी आपको यहां पे हाईलाइट नहीं दिख रहा है। हम दूसरी शीट में चलेंगे, हम यहां पे नया वर्कबुक ओपन करते हैं, तो यहां पे अगर आप देखें तो हमारा जो हेडर और फुटर है वो हाईलाइट है। हेडर का मतलब आप लोग को पता ही होगा, ऊपर पेज में अगर आप ऊपर कोई चीज प्रिंट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो उसको आप हेडर के तहत दिखा सकते हैं, और फुटर में अगर आप पेज में नीचे दिखाना चाहते हैं तो फुटर में वो चीज आप दिखा सकते हैं। तो यहां पे हम गए और हेडर और फुटर पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आएगा। हेडर में आपको क्या लिखना है, ठीक है, वो चीज आप यहां पे देखिए, हेडर खुला है, फुटर के लिए आपका फुटर यहां पे खुल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सेंटर में, क्योंकि यहां पे तीन चीजें दिखा दे सकते हैं, एक तो लेफ्ट एरिया है, दूसरा सेंटर है, और तीसरा राइट एरिया, तो जिस एरिया में जो आपको दिखाना हो, जैसे मान लो यहां पे तो सीट वन लिखा है, चलो सीट वन ही रहने दो, या पूरी चीज लिख भी सकते हैं, और मान लो यहां पे हम लेफ्ट एरिया में चाहते हैं अवध लिखा हो, ठीक, और यहां पे मान लो गोंडा लिखा हो ऐसे, तो ये आप यहां पे हेडर लगा दिए। अब दिखेगा कैसे ये, तो इसके लिए हमको इसका प्रीव्यू करना होगा। क्या करना होगा, प्रीव्यू, कंट्रोल शिफ्ट ओ करते हैं और रुक जाइए, कंट्रोल शिफ्ट ओ किया हमने, यहां पे जब कुछ लिखा तो यहां पे देखिए अवध आ गया, सीट वन आ गया और गोंडा आ गया। इसी तरह अगर हम फुटर में कोई चीज लगाना चाहें तो फुटर में भी लगा सकते हैं। और इसमें अगला है फॉर्म कंट्रोल। अगर आप इस कैल्क में कोई फॉर्म वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यहां पे विभिन्न ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो वीडियो है वो हमने राइटर में पढ़ाया है, बताया है, वहां से आप इसके बारे में जान सकते हैं। इसी तरह इसमें आपको सिग्नेचर को इंसर्ट करना है, तो यहां से आपको सिग्नेचर लाइन इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलता है, नाम देंगे, टाइटल देंगे, ईमेल देंगे, ठीक है, और भी कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, ओके करेंगे तो आपका सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने आपको इंसर्ट मेनू के बारे में बताया है, अगली क्लास में हम आपको फॉर्मेट मेनू के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय।